भले ही आर्टिकल 368 का यूज़ किया गया है ना, और इसके थ्रू जो है क्या किया गया है, हमारे प्रॉपर्टी राइट्स में कमी की गई है। तो अगर किसी प्रॉपर्टी राइट्स का वॉयलेशन हो या वो लेस हो तो उस कानून को क्या किया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। तो इसी को लेकर इन्होंने चैलेंज किया था कि ये जो आर्टिकल 31B है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, लेस कर रहा है। वॉयलेशन की बात नहीं हो रही थी, हमारे संपत्ति के अधिकार में कमी ला रहा है ना, इस वजह से इन्होंने इसको चैलेंज कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकती है, ये किया गया ठीक है। और अभी ये चीज़ 71 में किया जाएगा कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको कानून नहीं माना जाएगा, वो अभी आगे किया जाएगा। अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसके थ्रू 368 के थ्रू अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट में भी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ज़रूरत थी ना उस समय, बात ये है सुप्रीम कोर्ट ने क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन करने के लिए रखा गया। उन्हें पता था कि जो आर्टिकल जो है आपका 31B रखा गया है वो सोशल जस्टिस के लिए रखा गया है ना, तो वो भले ही वॉयलेशन कर रहा हो 13 का, लेकिन उन्होंने इसीलिए डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। हमको ये डिसीजन याद यहाँ पे रखना है कि इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बस वॉयलेशन मिल गया, जो भी था वैलिडिटी मिल गई कि नहीं, सरकार ने जो काम किया उसको वैलिड कर दिया इन्होंने, अब कहाँ जा सकते हैं आप। ये केस था यहाँ पर है ना, कि आर्टिकल 31B जो ऐड किया गया है वो प्रॉपर्टी राइट को लेस करता है, लेस, और आर्टिकल 13 में दिया हुआ है कि कोई भी कानून जो हो, अभी का हो पहले का हो जो भी हो, उसमें अगर लेस होगा आपका फंडामेंटल राइट या वॉयलेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एबॉलिश्ड हो जाएगा। इसी बेस पर इन्होंने केस किया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट हो सकता है, ज़रूरत थी उस समय इसलिए बोल दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो फिर आप कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये केस था यहाँ पर। दूसरा केस फिर आया सज्जन सिंह, समझ गए। तो शंकरी प्रसाद वाले में क्या हुआ कि जो अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था ना, उसी को सीधे सीधे उसकी वैधता को चुनौती दे दी गई थी है ना, चैलेंज किया गया था उसकी वैलिडिटी को जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो सही है, पार्लियामेंट कैन चेंज फंडामेंटल राइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ अंडर आर्टिकल 368, बिल्कुल सही है उन्होंने बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और जो अपने डिसीजन को हटाना होगा तो हमने बताया ना, बेंच में नंबर ऑफ जजेस बढ़ा देंगे, बस ये करना है। अगला देखिए, इसी तरह इशू आया सज्जन सिंह वाला, वो भी सब यही है। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान 1965, इसमें क्या था कोई और बताए। अच्छा, और बताइए। हाँ तो वो तो है ही है, लेकिन केस और बताइए क्या था। एक सेवेंथ अमेंडमेंट हुआ,
सातवां संविधान संशोधन, इसको चैलेंज किया गया था। इसमें इसमें क्या किया गया था, एक सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको चैलेंज किया गया। वही तो हम कह रहे हैं कि जानना ज़रूरी है ना, है ना, इसी को किया गया ना चैलेंज। ठीक है, सेवेंथ, सेवेंथ ही, ठीक है, सेवेंथ को चैलेंज किया गया कि जो प्रॉपर्टी के लॉज हैं उनको जो नाइन्थ शेड्यूल में रखा जा रहा है ना, ये है। और इसके लिए बार बार जा रहे थे 226 के थ्रू हाई कोर्ट, है ना, यहाँ पर इसी पर है। लेकिन यहाँ पर भी क्या बोल दिया गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, क्योंकि ज़रूरत थी, हमने कहा ना प्रॉपर्टी के लिए ये भी चले गए। ठीक है, और उसमें भी यही हुआ कि, और ये इशू भी है, ये दूसरी चीज़ है, इसमें इससे जुड़ी हुई नहीं है, है ना, उसमें अपॉइंटमेंट क्या एक अलग इशू, यहाँ पर था इसमें कि प्रॉपर्टी के राइट्स कम किए गए हैं फिर से, और नाइन्थ शेड्यूल को यहाँ पर फिर से चैलेंज कर दिया गया, तो कोर्ट ने फिर से क्या बोल दिया। और उसने वो कहाँ पर अपील कर रहे थे, हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट, और इसीलिए था। लेकिन फिर इसमें बोल दिया कि नहीं, जो आपकी पार्लियामेंट है संसद, वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और वजह हम आपको बता दें, सोशल जस्टिस के बेस पे दिया है, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रही है तो क्या वो ऑटोक्रेसी दिखा रही है, सरकार के पक्ष में जा रही है, सरकार के पक्ष में नहीं जा रही है, उन्हें ये लग रहा है कि ये जो दोनों केस आए हैं इनमें सही बात है सोशल जस्टिस की, इसलिए उन्होंने सरकार को सही माना है। वरना जब केशवानंद भारती वाला वाद आया तो केशवानंद भले हार गए केस, लेकिन बोल दिया कि ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी, उनको ये लगा कि सरकार इसी तरह से अमेंडमेंट कर करके नाइन्थ शेड्यूल में सब चीज़ों को रख देगी 73 वाले केस में, तो उन्होंने बोला कि अब फंडामेंटल जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम डिसाइड करेंगे, और मूल अधिकारों में भी संशोधन करेगी तो हम डिसाइड करेंगे, और वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये चीज करेंगे। तो ये सारे इशू अभी काहे के लिए आ रहे हैं, प्रॉपर्टी वाले। नाइन शेड्यूल को फिर से चैलेंज किया गया, सब चैलेंज करते रहेंगे, क्यों, जब तक फंडामेंटल राइट बना हुआ है। तो इस वाले केस में भी यही था, और इस वाले केस में भी डिसीजन क्या आया कि पार्लियामेंट कैन चेंज या फिर अमेंड द फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों में संसद क्या है संशोधन कर सकती है। ठीक है, अब इसको चेंज किया जाएगा गोलकनाथ केस में। कौन सा, अच्छा हमें भेज दीजिएगा, ये तो मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, चलिए अगला था, देखिए चेंज किया गया इस डिसीजन को गोलकनाथ केस में। वर्सेस पंजाब, इसमें क्या था, कौन बताएगा। वॉयलेशन, ठीक है, देखिए इसमें क्या था,
दो भाइयों ने खरीदी 500 एकड़ जमीन, ठीक है, और लॉ बना था पंजाब में कि 30 एकड़